आइए हम और आप दोनों मिलकर लखनऊ चलते हैं। हमारे बीच डॉक्टर तारिक कमर। डॉक्टर तारिक कमर न्यूज 18 के एक बड़े ओहदे पर हैं। ये अलग सी बात है, मैं ये कहता हूं कि ये उनकी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए नहीं है, बल्कि यूं है कि एक बहुत ही खूबसूरत शायर हमारे दरमियान डॉक्टर तारिक कमर हैं। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि लखनऊ का कोई शायर मेहमान आता है तो जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं अर्ज कर दूं आपसे कि ये वो सरजमीन है कि इसे बार बार सलाम किया जाना चाहिए। कलीम आजिज की सरजमीन है, ये दिनकर जी की सरजमीन है, मजहर इमाम की सरजमीन है। कैसे कैसे नायाब लोग यहाँ रहे जिन्होंने बहरहाल शेरी उफुक पर न सिर्फ अपने निशान मुर्तसम किए बल्कि हम जैसे मुब्तदियों के लिए रास्ते भी हमवार किए। किसी भी तमहीद की तकरीर की ज़रूरत नहीं है, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ, बस एक मुख्तसर सी नज़्म पेश करूँगा, उसके बाद एक गज़ल के तीन चार शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस नज़्म का उन्वान है कि बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर पर। देखिए जो कुछ भी हालात चल रहे हैं तो उन कैफियत से उन एहसास से हम कहीं खुद को मुस्तस्ना नहीं पाते हैं और ख़ुद को बचा भी नहीं पा रहे हैं, उसी तासुर की एक नज़्म मुलाहिज़ा फरमाएंगे। खास तौर से मजहब और रंग की सियासत में, मजहब और रंग की सियासत ने मेरी फिरदौस मेरी जन्नत का रंग और नूर ही बदल डाला, सारा दस्तूर ही बदल डाला। वाह वाह। मजहब और रंग की सियासत ने मेरी फिरदौस मेरी जन्नत का रंग और नूर ही बदल डाला, सारा दस्तूर ही बदल डाला। नफरतों की हवा चलाई गई, जाफरानी फजा बनाई गई, खून को खाक में मिलाया गया, सब्ज तहजीब को मिटाया गया। नफरतों की हवा चलाई गई, जाफरानी फजा बनाई गई, खून को खाक में मिलाया गया, सब्ज तहजीब को मिटाया गया, गुलसिता का निजाम बदला गया और पाए इंतकाम बदला गया। वाह। गुलसिता का निजाम बदला गया और पाए इंतकाम बदला गया, जबर के रास्ते निकाले गए और जमा पेड़ काट डाले गए। जबर के रास्ते निकाले गए और जमा पेड़ काट डाले गए, टहनियां कांपती सिसकती रही, सहमे सहमे गुलाब तोड़े गए, फूल और पत्तियों का जिक्र ही क्या, गुंचे भी शाख पर न छोड़े गए। टहनियां कांपती लरसती रही, सहमे सहमे गुलाब तोड़े गए, फूल और पत्तियों का जिक्र ही क्या, गुंचे भी शाख पर न छोड़े गए। तितलियों के परों को मसला गया, जुगनू संगीन में पिरोए गए, तितलियों के परों को मसला गया, जुगनू संगीन में पिरोए गए, जख्म भी खूनी से धोए गए, लोग अब पूछते हैं ये तो कहो, बर्फ की एक सफेद चादर पर खून से लिखा पयाम किसका है, ये भी लिख दो के नाम किसका है, ये भी लिख दो के नाम किसका है। और देखिए गजल के सिर्फ चार शेर बहुत मोहतबर डाइस है, मोहतरम अंजुम बारा बंकी साहब माजिद साहब आजाद साहब से लेकर और बिहार के तमाम हमारे मोहतबर शोरा तशरीफ रखते हैं यहाँ। मैं चार शेर पेश करता हूँ गजल के, फिर अपनी नशीस लूंगा, मुलादा फरमाएंगे कि सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं लोग, सुनिएगा।
सवाल के जवाब में, सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं हुक्मरान बवाल कर रहे हैं लोग, सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं हुक्मरान बवाल कर रहे हैं लोग, अमीरे शहर मौत से डरा के मुतमईन नहीं, अमीरे शहर मौत से डरा के मुतमईन नहीं, लहू में डूब डूब कर कमाल कर रहे हैं लोग, अमीरे शहर मौत से डरा के मुतमईन नहीं, लहू में डूब डूब कर कमाल कर रहे हैं लोग। और देखिए शेर पेश करता हूं, मुरादा फरमाइएगा खास तौर से कि लिखी गई थी आंसुओं से जुल्म की हिकायतें, लिखी गई थी आंसुओं से जुल्म की हिकायतें, लहू से अब रकम तेरा जवाल कर रहे हैं लोग, लिखी गई थी आंसुओं से जुल्म की हिकायतें, लहू से अब रकम तेरा जवाल कर रहे हैं लोग, लहू से अब रकम तेरा जवाल कर रहे हैं लोग, ये कल तेरे जवाल पर खुशी बहुत मनाएंगे, ये कल तेरे जवाल पर खुशी बहुत मनाएंगे, कि अब तेरे उरूज पर मलाल कर रहे हैं लोग, कि अब तेरे उरूज पर मलाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जरात ये थे डॉक्टर तारिक कमर, लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ रखते हैं।